सुजानपुर में भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा के प्रचार प्रसार के लिए सुजानपुर भाजपा द्वारा निकाली गई विकास संकल्प रैली का हर जगह पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों एवं भव्य आतिशबाजी पटाखों के साथ स्वागत किया गया। विकास संकल्प रैली की अगुवाई केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। केंद्रीय मंत्री खुली जीप में सवार होकर रैली की अगुवाई करते हुए नजर आए। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न पंचायतों बूथ सेक्टर से घूमती हुई यह विकास संकल्प रैली सुजानपुर जब पहुंची तो यहां भाजपा कार्यकर्ताओं जिनमें सुजानपुर भाजपा मंडल, नगर परिषद सुजानपुर, भाजपा शहरी इकाई सहित स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने खुली जीप में अपने साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को सवार किया और भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा के गृह क्षेत्र के लिए रवाना हुए। सुजानपुर भाजपा के इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी विकास संकल्प रैली आयोजित हुई है। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय मंत्री खुद इस रैली की अगुवाई करते हुए नजर आए। बताते चलें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। गुरुवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, जिसके चलते भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी की जीत के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाकर उनके लिए वोट मांगे गए। रैली का स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, पुष्प वर्षा के साथ किया। रैली जैसे ही सुजानपुर पहुंची तो पूरा सुजानपुर शहर पैक हो गया। मुख्य बस स्टैंड से लेकर रैली को जाने की अनुमति नहीं मिली। वाहनों का काफिला अत्यधिक होने के चलते उन्हें मैदान के चौतरफा घूमने के बाद सुजानपुर जंगलबैरी मार्ग पर जाने की अनुमति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने रैली में शामिल तमाम लोगों का धन्यवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्यार और इस तरह उमड़ा हुआ हजूम इस बात का इशारा कर रहा है कि सुजानपुर में भाजपा का विधायक बनना तय है। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, मिशन रिपीट होकर रहेगा। Yeah,